हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर जारी है। फीस जो है बहुत बहुत कम में आपको क्लासेस जो है वो मिल रहा है, तो अपने जूनियर्स को और अपने फ्रेंड्स को पक्का से बता दीजिएगा। ये दारोमदार मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चलिए आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, सोर्सेस ऑफ लॉ का पहला दो क्लास हो चुका है और आज अपने सोर्सेस ऑफ लॉ को कंप्लीट कर देंगे। टुडे इज अ थर्ड पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये सारे पोर्शंस हो चुके होंगे और बिल्कुल नोट्स जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से आपको ये सारे नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ये सारे पोर्शंस अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट दो पार्ट्स के अंदर। यहां से पढ़िए, फटाफट एकदम आपका जो है पढ़ाई हो जाएगा। और मैंने इंस्टीट्यूट का भी मैट एक एक पन्ना खोल करके दिखा दिया था कि अपना सब कुछ कवर हो रहा है। अब अपना थर्ड पार्ट जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। थर्ड पार्ट जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है ज्यूरिसप्रूडेंस। सर ये तो सब्जेक्ट का नाम है, बिल्कुल। और पहला चैप्टर के अंदर ज्यूरिसप्रूडेंस को समझाया भी गया है कि आखिर ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है। नाउ लुक, ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिस मींस लॉ, प्रूडेंस मींस नॉलेज। ज्यूरिस मींस लॉ, प्रूडेंस मींस नॉलेज। So jurisprudence actually means knowledge of law. So jurisprudence, juris का मतलब क्या है? Law है. Prudence का मतलब knowledge. So what does jurisprudence means? Knowledge of law. It is the study of science of law. Now when we say jurisprudence is knowledge of law, study of science of law, तो jurisprudence का ऐसा छोटा मतलब मत निकाल लेना कि it is study of a particular act or particular rule. No. यहां पर ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनीज एक्ट का ज्ञान या फिर कोई एक पर्टिकुलर रूल का ज्ञान या आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का ज्ञान या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ज्ञान। बाय द वे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से याद आया, इसमें अमेंडमेंट्स है और अमेंडमेंट आपको कहां से करना है? ऑलरेडी मैंने दो महीना पहले एक अमेंडमेंट मैराथन डाला था। सर कंपनी लॉ मैराथन डाला था आपने तो वॉल्यूम वन का, कंपनी लॉ मैराथन वॉल्यूम टू का, अमेंडमेंट मैराथन भी डाला था, वो अमेंडमेंट मैराथन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में अमेंडमेंट है, वो सारे के सारे आपको कहां मिल जाएंगे? मेरे अमेंडमेंट मैराथन के अंदर, वो पक्का से आप यूट्यूब में लिखेंगे अमेंडमेंट मैराथन मोहित अग्रवाल तो आपको दिखाई दे देगा। ओके, तो इट इज नॉट अबाउट, ज्यूरिसप्रूडेंस इज नॉट अबाउट स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। कोई स्पेसिफिक एक्ट का नॉलेज नहीं है ज्यूरिसप्रूडेंस, रेदर नॉलेज ऑफ ओवरऑल लॉ, लॉ इन जनरल, नॉट नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक एक्ट, रेदर नॉलेज ऑफ लॉ इन जनरल। ये देखो ज्यूरिसप्रूडेंस, देखो हैंडरिटन नोट्स का कमाल, देखो फटाफट याद हो जाएगा। ज्यूरिसप्रूडेंस, इट इज डिराइव फ्रॉम वर्ड ज्यूरिस मीनिंग लॉ एंड प्रूडेंस मीनिंग नॉलेज, इजंट इट? देखो भाई, इट इज डिराइव, दिखा वर्ड ज्यूरिस मीनिंग लॉ, प्रूडेंस मीनिंग नॉलेज, ठीक है सर? दिमाग में बढ़ गया। ज्यूरिसप्रूडेंस इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, इट इज अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। इट इज, मैंने बताया था ना, कोई स्पेसिफिक एक्ट के बारे में नहीं है, नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टैट्यूट और अ पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ, बट ऑफ लॉ ओवरऑल इन जनरल। क्लियर है सर? Now, different jurists have given their different interpretation of the term jurisprudence. ये जो शब्द है ना jurisprudence, अलग अलग jurist ने अलग अलग तरीके से समझाया है। Look, different jurists have used the term in different ways. लेकिन सबका bottom line यही है। Bottom line क्या है? बॉटम लाइन यही है, इट रेफर्स टू स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। ओके, तो पांच मेरे को स्टेटमेंट बता दो ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में फटाफट एकदम। द वर्ड ज्यूरिसप्रूडेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ज्यूरिस मीनिंग लॉ, प्रूडेंस मीनिंग नॉलेज, सो इट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ लॉ। इट इज एक्चुअली अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लॉ। ज्यूरिसप्रूडेंस डज नॉट mean studying a specific act or studying a specific statute, rather it is a study of law in general. Different jurists have given their different interpretation of the term jurisprudence, but the bottom line of jurisprudence is that it is a study of law.
Clear? Now, various schools of jurisprudence. There are three schools of thoughts. Jurisprudence को लेकर के तीन अलग अलग विचारधारा है. तीन अलग अलग schools of thought यानी तीन अलग अलग विचारधारा है. एक analytical jurisprudence. So there are three schools of thoughts on jurisprudence. एक analytical jurisprudence. Sociological jurisprudence. Teleological jurisprudence. Analytical, sociological, teleological. अब analytical jurisprudence क्या बोलता है? Analytical jurisprudence ये बोलता है कि भाई we should find such principles of law which will be universally applicable throughout the world. And those principles of law will not change as per individual preference or as per society's needs. Universally, it will be applicable all over the world. Such principles of law should be found in jurisprudence. The main aim of jurisprudence is to find such principles of law. Dhyan se suno. According to analytical school of jurisprudence, the main aim of jurisprudence is to find such rules of law, such principles of law, which shall be universally applicable. It will not change from country to country, society to society, or individual preferences. It believes in abstract theory of law. Abstract theory of law matlab, pehle se hi bana lo principle of law. Bhale hi wo society mein abhi tak situation aaya ho, naubat aaya ho, nahi aaya, phaan mein gaya society. Tum bana kar kar ko principle of law, aur society to society change nahi hoga. Individual to individual change nahi hoga. ये होता है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का थिंकिंग अबाउट ज्यूरिसप्रूडेंस. इट बिलीव्स इन एब्स्ट्रैक्ट लॉ, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉ. इट ट्राइज टू फाइंड आउट द वर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ व्हिच शैल बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड. विल नॉट चेंज एज पर इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस और सोशल नीड्स. ये होता है एनालिटिकल. सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ है. जैसे two principles of natural justice belong to analytical school of thought. What are the two principles of natural justice which belongs to analytical school of thought? Tell me two principles of natural justice which belongs to analytical school of thought. Batao bhai, two principles of natural justice. Bilkul sahi. Audi alteram patam. Audi alteram patam kya bolta hai? Ki doshi ko ek bar sunno. Opportunity of being heard must be given. Ab ye India mein nahi hota, America mein bhi hota hai, har jagah hota hai. कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड तो भैया एक बार दे दो सजा सुनाने के पहले. ये होता ऑडी अल्ट्रम पटम, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड. एंड नोबडी शुड बी अ कॉज इन हिज, नोबडी शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज. तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है और तुम ही जज बन जाओगे तब तो छूट जाओगे भाई, बाइज्जत बरी हो जाओगे. सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मस्ट बी गिवन. नोबडी शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज. दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस and belong to analytical jurisprudence school of thought which shall be universally applicable. Check it out. Analytical jurisprudence ko ek bar padho mere bachcho mere sath. It focuses on abstract theory of law. It tries to discover elements of pure science. Pure science samajh mein aata hai? Exact, jo change nahi hoga. To ye find out karna chahta hai principles of pure science, elements of pure science which can be universally true. It finds those rules which will not shift on individual preferences or society's needs. Irrespective of individual preference and social needs, these rules will stay. Ye hota analytical school of thought. Clear hai bachcho? Yeah, all okay? Ye ho gaya analytical jurisprudence. Ab sociological jurisprudence jo hai na, wo bolta nahi, analytical jurisprudence jo hai na bakwas baat kar raha hai. Sociological jurisprudence highlights the limitation of pure science. It highlights the limitations of pure science of law. Sociological jurisprudence bolta hai, kya baat kar rahe ho bhai analytical jurisprudence? Kaise tum universal principle bana sakte ho? Jab tak tum society ko dekhoge nahi, society ka chal chalan nahi dekhoge, wahan par logo ka vyaktitva ya nahi dekhoge, wahan par logo ka dhang nahi dekhoge, tum kaise law bana doge un logo ko govern karne ke liye? To sociological jo hai na, wo khilaf hai. यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है. सोशियोलॉजिकल बोलता है कि भाई लॉ जो है वो सोसाइटी के हिसाब से बनाओ और चेंज करते रहो, यूनिवर्सल लॉ बनाने का दरकार नहीं है. सो इट हाइलाइट्स, सोशियोलॉजिकल जुरिसप्रूडेंस स्कूल ऑफ थॉट हाइलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ. इट सेज दैट लॉ शुड बी मेड फॉर सोसाइटी
by looking at the society's behavior. And if required, law should be changed, keeping in mind society, changes in the society. Law should keep on changing, keeping in mind changes in the society. सोशियोलॉजिकल बोलता है पहले देखो फिर कानून बनाओ. ये देखो सोशियोलॉजिकल क्या बोल रहा है, इट हाइलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ. बोलता है प्योर साइंस ऑफ लॉ मत लगाओ, यूनिवर्सल लॉ मत बनाओ. इट ट्राइज टू डिस्कवर आंसर टू सोशल प्रॉब्लम्स. आगे ये क्या बोल रहा है, वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज ओनली इफ वन एग्जामिन व्हाट इट डज. सर ये क्या है, बहुत सिंपल है. One can understand what a thing is only if one examines that thing. आप कोई चीज कैसे समझेंगे, जब आप उस चीज को पहले examine करेंगे. तो sociological jurisprudence क्या बोल रहा है कि society के लिए law बना रहे हो, पहले society को examine करो फिर society के लिए law बनाओ. Clear है सर दिमाग में. तो ये हो गया, एक हो गया analytical, एक हो गया sociological. ठीक है, मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं, एक बार दोनों को फिर से go through करो. चलो गोथ्रू मत करो, मैं ही आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं. एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस क्या बोलता है भाई, इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉ. बोला काल्पनिक घटनाओं के ऊपर कानून बना लो, एस्टिमेट कर लो क्या होने वाला और कानून बना लो, और ऐसा कानून बनाओ विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड इट डज नॉट चेंज. फोकस ऑन प्योर साइंस ऑफ लॉ, ट्राई टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ विच विल बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड वी विल नॉट हैव टू चेंज द लॉ एज पर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड सोसाइटीज नीड्स. ये था एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस. सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस हाइलाइट्स द लिमिटेशंस ऑफ द प्योर साइंस ऑफ लॉ. इट आस्क्स अस टू फोकस ऑन सोसाइटीज प्रॉब्लम्स एंड देन मेक द लॉ. ओके, टेलियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में आ जाओ. टेलियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस बोलता है, ये टेलियोलॉजिकल अब सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस को क्रिटिसाइज कर रहा है. टेलियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस स्कूल ऑफ थॉट बोलता है खाली सोसाइटी के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करके क्या करोगे, जब लॉ बनाओ तो लॉ बनाते समय फोकस करो कि लॉ बना रहे हो किस ऑब्जेक्टिव के साथ, क्या एंड है लॉ का. एंड मीन एंड मतलब हो गया रीजन, क्या रीजन है लॉ बना करके, होगा क्या कंसिक्वेंस, क्या होगा, जैसा कंसिक्वेंस चाहिए वैसा लॉ बना दो. टेलियोलॉजिकल ये बोलता है जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा लॉ बना दो, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो उसके लिए लॉ बना दो. सो इट फोकसेस दैट खाली कलेक्शन करके फैक्ट्स का ऑफ सोशल लाइफ इज ऑफ नो हेल्प. टेलियोलॉजिकल क्या बोल रहा है, ओनली गोइंग ऑन कलेक्टिंग द फैक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ इज ऑफ नो हेल्प. लॉ बनाओ रीजंस के साथ एंड फाइंड करो एंड मतलब कंसिक्वेंस विच लॉ शुड फॉलो, रीजंस ऑफ मेकिंग लॉ. ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल किसके ऊपर मेनली फोकस कर रहा है, reasons of making law, that there should be a genuine reason, genuine end of making a law. So, ye the teen school of thought on jurisprudence. Theek hai, ab jurisprudence ka definition alag alag jurist ne diya, Salmond ne diya. Theek hai, fir Bentham ne diya, Salmond ne jurisprudence ko define kiya, Bentham ne define kiya, professor Julius Stone ne define kiya and G.W. पैटर्न ने डिफाइन किए. ठीक है, तो ये चार डेफिनेशन ज्यूरिसप्रूडेंस का अलग अलग जो ज्यूरिस्ट ने दिया, आइए उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. सैलमंड भाई साहब क्या बोले कि ज्यूरिसप्रूडेंस मींस साइंस ऑफ लॉ. ठीक है, हम लोग भी वही पढ़े हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सैलमंड ज्यूरिसप्रूडेंस मींस साइंस ऑफ लॉ. एंड सैलमंड ने ज्यूरिसप्रूडेंस को तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. ही डिवाइडेड ज्यूरिसप्रूडेंस इनटू थ्री स्ट्रीम्स, यानी थ्री ब्रांचेस. बोला एक होता है सिविल ज्यूरिसप्रूडेंस, एक होता है इंटरनेशनल ज्यूरिसप्रूडेंस और एक होता है नेचुरल ज्यूरिसप्रूडेंस. ठीक है, सो ज्यूरिसप्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सैलमंड मींस व्हाट, साइंस ऑफ लॉ एंड इट हैज गॉट थ्री स्ट्रीम्स. देयर आर थ्री स्ट्रीम्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस अकॉर्डिंग टू सैलमंड, सिविल, इंटरनेशनल, नेचुरल. नेचुरल मतलब समझ में आ रहा है, जिसके लिए आपको अलग से कानून बनाने का दरकार नहीं है, इट्स नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन राइट. इंटरनेशनल समझ में आ गया. ठीक है, जो देश के बाहर के जो कानून है उसको अपने बोलेंगे इंटरनेशनल ज्यूरिसप्रूडेंस. सर ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के किताब में भी नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूं उतना मोर देन इनफ है. ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो इंस्टीट्यूट की किताब में भी खाली नाम ही बोला गया है आपको पढ़ने के लिए.
हियर वी गो, ये देखो सैलमन ने जुरिस्प्रूडेंस को क्या डिफाइन किया, वही साइंस ऑफ लॉ, ठीक है साइंस ऑफ लॉ, और उसने तीन स्ट्रीम में डिवाइड किया, क्या क्या तीन स्ट्रीम में डिवाइड किया फटाफट मेरे को बताओ, सिविल इंटरनेशनल एंड नेचुरल, एक है सिविल, एक है इंटरनेशनल, एक है नेचुरल। सिविल को फिर डिवाइड किया गया, जो अपने पढ़ रहे हैं सिविल को और डिवाइड किया गया ना, सिविल को और डिवाइड किया गया है सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल क्रिटिकल, अभी अपने पढ़ेंगे सिविल को और तीन डिवीजन है सिस्टमैटिकल हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल, क्लियर। तो देखो इंटरनेशनल नेचुरल का कहीं और एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको खाली नाम याद करना है जो सैलमन ने बताया था, और मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस मतलब समझ में आ गया ना, लॉ ऑफ फॉरेन लैंड, नेचुरल मतलब समझ में आ गया ह्यूमन राइट्स, और सिविल जुरिस्प्रूडेंस का मेरे को बता दो भाई तीन टाइप सिविल जुरिस्प्रूडेंस का, सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। तो सिविल जुरिस्प्रूडेंस का तीन ठो सब डिविजन है सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल। सिस्टमैटिक मतलब जो लीगल एक्सप्लेनेशन है, लीगल एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन, तो जो जुरिस्प्रूडेंस के अंदर लीगल एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है सिस्टमैटिक। हिस्टोरिकल समझ जाओ यार, जो हम लोग का पास्ट हिस्ट्री रहा है, लॉ का पास्ट हिस्ट्री, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। एंड क्रिटिकल जो होता है वो होता है कि भाई लॉ बनाने का मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो क्या था, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो भाई ये तुमको याद करना पड़ेगा नाम, सैलमन ने जुरिस्प्रूडेंस को क्या डिफाइन किया, साइंस ऑफ लॉ, थ्री स्ट्रीम्स, सिविल, इंटरनेशनल, नेचुरल। सिविल का फर्दर तीन तो बता दो मेरे को, सिविल का मेरे को फर्दर तीन तो बता दो, एक है लीगल एक्सपोजिशन यानी सिस्टमैटिक यानी लीगल एक्सपोजिशन लीगल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, एक है हिस्टोरिकल जो पास्ट हिस्ट्री था लॉ का, और एक है क्रिटिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और एक जुरिस था बेंथम। सर ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि पूरा कवरेज रहे, इंपॉर्टेंट अब आने वाला है इसके बाद, बस पांच मिनट बाद, भयानक इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा सड़ा हुआ नहीं रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेंथम ने क्या बोला, मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये जेएजेएल का सबसे वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर्स रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंसेप्ट भी है इंटरेस्ट भी है, इसमें ये एग्जाम के लिए है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंप्लीफाई कर देने का बाय दिस हैंड रिटन नोट्स। अब देखो भाई बेंथम ने क्या बोला, बेंथम ने जुरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया इन टू सेंस, बोला जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक लॉ बोल लो, लॉ रेफरिंग टू द सब्सटेंस मतलब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। जुरिस्प्रूडेंस कैन बी व्यूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू बेंथम, द फर्स्ट व्यू पॉइंट इज इट्स अ लॉ involving substance, main principles of law and their interpretation. Law referring to substance and interpretation. Other viewpoint of jurisprudence is it's a study about nature of law and legal system. मतलब जो system में law बनता है उसका study. मतलब Bentham बोला एक तो law के principles का study और law को जो system बनाता है यानी legislature उसका study. So according to Bentham, jurisprudence from one viewpoint is law relating to the substance and its interpretation and the other viewpoint is study of legal system. ठीक है, जूलिया स्टोन भाई सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि जुरिस्प्रूडेंस मतलब क्या हो गया, लॉयर लोग जो इंटरप्रेट करता है, लॉयर लोग जो इनडेप्थ में जाकर के लॉ को एनालाइज करते हैं, भाई जुरिस्प्रूडेंस है। सो जुरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द परसेप्ट्स यानी कंसेप्ट्स आइडियल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लॉ। तो ये सिंपल डेफिनेशन दिया जूलियस स्टोन ने कि जुरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन व्हिच मींस एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आइडियल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लॉ। जेडब्ल्यू पैटर्न ने क्या डेफिनेशन दिया कि जुरिस्प्रूडेंस इज फाउंडेड ऑन द अटेम्प्ट नॉट टू फाइंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जेडब्ल्यू पैटर्न ने बोला कि जुरिस्प्रूडेंस does not attempt to find the universal principles of law, वो possible नहीं है कि हर country में law same रहे, लेकिन कुछ ऐसा science बनाना जो कि relationship develop कर सके between law, concepts and society. Law अगर बन रहा है तो कुछ rationality भी तो होना चाहिए और society से related होना चाहिए। तो GW Patton ने यही बोला कि the attempt of jurisprudence is not to make a law which is universal but to make a relationship
बिटवीन लॉ इट्स रैशनैलिटी यानी कंसेप्ट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी. क्लियर है सर? क्लियर है सर? लीगल थ्योरी. अब ये जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर अलग अलग थ्योरीज ऑफ लॉ है, ठीक है. तो लीगल थ्योरी मतलब क्या हो गया, एक इंटेलेक्चुअल, इट्स अ फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज जो कि बताता है कि लॉ कैसे डेवलप हुआ. इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज विद इन जुरिस्प्रूडेंस विच इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ लॉ. कुछ नहीं, लीगल थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, पूरा डिटेल्स. अब ये सारे के सारे जो है ना, ये थ्योरी ऑफ लॉ है. जॉन ऑस्टिन का एक थ्योरी ऑफ लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ. जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का थ्योरी ऑफ लॉ डिटेल्स में आएगा. और ये सारे के सारे, ये पांचों एग्जाम ओरिएंटेड है, ये पांचों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इनफैक्ट अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में तो यही पांच थ्योरी ऑफ लॉ है. समझ लो हर टर्म में इनमें से एक थ्योरी ऑफ लॉ आना है. तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है. और बहुत सिंपल है, एक है ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, एक है रोस्को पॉन्ड्स थ्योरी ऑफ लॉ, सैलमंड, ये सब नाम याद आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास में अपने देखे थे. जॉन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, रोस्को पॉन्ड थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ेंगे, सैलमंड का पढ़ेंगे, केल्सन का पढ़ेंगे एंड बेंथम. ठीक है, ये पांच जन का, ऑस्टिन का, पॉन्ड का, सैलमंड का, केल्सन का, बेंथम का. और ये पांचों के पांचों जो है ना पॉइंट फॉर्म में ऑलरेडी आईसीएसआई के मैट में है, तो हम वहीं से आपको पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंट फॉर्म में है. देखिए आ जाइए, ये देखिए इंस्टीट्यूट का मैट मैंने यहां तक आपको लास्ट पार्ट में दिखा दिया था. जुरिस्प्रूडेंस, ये देखो कितना गंदा तरीके से इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को लिख रखा है, ठीक है, बकवास तरीके से जुरिस्प्रूडेंस को लिख रखा है. इसलिए मेरा हैंड रिटन नोट्स का दरकार था. पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताया था जुरिस्प्रूडेंस का, फिर मैंने आपको और ये भी बताया था एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, टेलीलॉजिकल जो यहाँ गंदा तरीके से लिखा हुआ है मैंने आपको डायग्राम में समझाया था. सैलमंड वाला बात मैंने पूरा डायग्राम में समझाया था, बेंथम वाला बात डायग्राम में समझाया था, जूलियस स्टोन वाला बात समझाया था, पैटर्न वाला बात भी समझा दिया था डायग्राम के अंदर और हैंड रिटन नोट्स में. लीगल थ्योरी वाला बात भी हो गया था. और अब अपने फाइव थ्योरीज ऑन लॉ जो है, ऑस्टिन का, सैलमंड का, केल्सन का, बेंथम का, ठीक है, ऑस्टिन, सैलमंड और ये केल्सन, ऑस्टिन, सैलमंड, केल्सन, बेंथम और रोस्को पॉन्ड, ये अभी अपने पांच जन का सीखने वाले. मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फिर मार्क करवा दूंगा. तो पहले फोकस करना एक्सप्लेनेशन के ऊपर, याद हो जाएगा, गारंटी, समझ में भी आ जाएगा, याद भी. सबसे पहले जॉन ऑस्टिन सर, इसका नाम सुना हुआ है पॉजिटिविस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ में, फर्स्ट पार्ट में आपने सुने थे, तो मेरा फर्स्ट पार्ट छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो. जॉन ऑस्टिन क्या बोला, जॉन ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी. जॉन ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ सेज कि जितना भी लॉ है वो कमांड है, ऑर्डर है. किसका, किसका ऑर्डर है सर, ऑफ सॉवरेन्स, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट, एंड इट इन्वॉल्व सैंक्शंस. So according to John Austin, command theory of law, every law will have these three aspects. Law is a command of sovereign followed by sanctions. It involves sanctions. सबसे पहले क्या है, it is a command. Command. तो John Austin बोला कि law क्या है, command है, order है. Of किसका order है, of पॉलिटिकल सुपीरियर्स, दोज आर पॉलिटिकली सुपीरियर, दैट इज सॉवरेन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, दे आर पॉलिटिकली सुपीरियर, दे विल मेक द लॉ टू कमांड यू, टू कमांड होम, टू कमांड होम, पॉलिटिकली इंफीरियर पीपल लाइक मी, लाइक यू, वी आर पॉलिटिकली इंफीरियर, वी डोंट मेक लॉ. मोदी जी मेक्स लॉ, पार्लियामेंट मेक लॉ, सर मोदी जी भी हाँ रूल्स बनाते ही हैं, दे आर पॉलिटिकली सुपीरियर. They are the commanders. So commanders, politically superiors. Commanders यानी politically superiors, यानी sovereign will make the law for those who are politically inferior, like us. That is why it is a command. It's a wish of the political superior parties that how the political inferior parties should work. And behave. And it's a command of sovereign. Sovereign means masters, politically superiors. And it involves sanctions, which means that if the politically inferiors
इफ द पर्सन और पॉलिटिकल इंफीरियर्स डू नॉट ओबे द कमांड ऑफ सॉवरेन देन दे विल हैव टू सफर पनिशमेंट दे विल हैव टू सफर सैंक्शंस पनिशमेंट. तो ये है जॉन ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ. वो बोला लॉ में तीन एस्पेक्ट है, ये कमांड है यानी इट्स अ विल एंड विश ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर पार्टीज इंपोज्ड ऑन दोज हु आर पॉलिटिकली इंफीरियर. पॉलिटिकल इंफीरियर पार्टीज विल हैव टू बिहेव एज पर द कमांड ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर पार्टीज दैट इज सॉवरेन. सॉवरेन आर कमांडर पॉलिटिकल सुपीरियर एंड इफ द पॉलिटिकल इंफीरियर पर्सन डोंट follow the command of sovereign then they will have to suffer punishment. Austin ka ye jo command theory of law hai wo ye bhi bola ki political superior wala log ko koi command nahi karta, un log command karta hai, un log command leta nahi hai. Ab char criticism hai John Austin ka jo theory of law hai usme char criticism hai. Patapat dhyan se suno. जॉन ऑस्टिन का जो कमांड थ्योरी ऑफ लॉ है उसको चार क्रिटिसिज्म पॉइंट्स मिला. वो क्या क्या चार क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं ध्यान से सुनो. पहला बात, ऑस्टिन आपने क्या बोला भाई ऑस्टिन साहब कि कमांडर्स पॉलिटिकल सुपीरियर्स सॉवरेन डू नॉट ओबे दे ओनली कमांड दे डोंट ओबे एनीथिंग. यू आर रॉन्ग ऑस्टिन. इवन दे हैव टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लाइक इन इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया will have to follow the constitution of India. So even the commander, sovereign, will have to follow constitution. So they also have to obey. But Austin said that commanders don't obey, but they also obey. This is the first criticism. The second criticism of Austin is, ki Austin bhai sahab, aapne kya bola? Ki commander log khali command karenge, aisa karo, khali command, command. Lekin bhai, har law command nahi karta. ऑस्टिन बोला कि लॉ मतलब कमांड, लेकिन भाई हर लॉ कमांड नहीं करता. कुछ वेलफेयर लॉज भी हैं जो कमांड नहीं करते, रेदर राइट्स देते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं. सम वेलफेयर लॉज आर आल्सो देयर ना, जो सोशल वेलफेयर लॉज है उसमें कमांड थोड़ी ना किया जाता है, उसमें तो राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिया जाता है लोगों को. जैसे बोनस एक्ट प्रोविडेंट फंड एक्ट में इंप्लॉय लोग को कमांड थोड़ी ना किया जा रहा है, उन लोगों को तो प्रिविलेजेस मिल रहा है भाई. तो हर लोगों को कमांड किया जाए लॉ में ऐसा नहीं होता, वेलफेयर लॉज में ऐसा नहीं होता. तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म. तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ऑस्टिन ने जो है ना बोला कि खाली कमांडर लोग लॉ बनाएंगे, भाई ये गलत है. जज लोग भी रूल्स बना सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का तो जो ऑर्बिटर डिक्टा है वो भी सबके लिए जो है मैंडेटरी रहेगा. तो भाई 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 ऑस्टिन ने जजेस को तुच्छ समझ दिया, लेकिन भाई जज लोग भी पावर रखते हैं कि उन लोग भी जो है लॉ को एनालाइज करके अपना व्यू पॉइंट दे सके और एक नया रूल या प्रिंसिपल बना सके. चौथा क्रिटिसिज्म ऑस्टिन का यह है कि ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. जैसे हमारे यहां पर अमेरिका सॉवरेन नहीं है, हमारे लिए तो हमारा गवर्नमेंट सॉवरेन है, अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे लिए थोड़ी ना सॉवरेन है, लेकिन हमारा कंट्री अमेरिकन लॉज को भी फॉलो करेगा, अमेरिकन केस स्टडीज को भी फॉलो करेगा, केस लॉज को फॉलो करेगा. बेलफोर वर्सेस बेलफोर इंग्लिश केस लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग इंटरनेशनल केस लॉज को भी फॉलो करते हैं, जो कि ऑस्टिन ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. ये चार क्रिटिसिज्म है. फटाफट मेरे को बता दो ऑस्टिन का चार क्रिटिसिज्म क्या क्या है. ऑस्टिन ने बोला भाई कमांडर लोग खाली कमांड करेंगे, गलत. उन लोग ऑबे भी करते, ऑस्टिन बोला ऑबे नहीं करेंगे, गलत. ऑबे भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑबे करना पड़ेगा. लॉ खाली कमांड करता है, गलत. वेलफेयर लॉज जो है वो कमांड की जगह राइट्स और प्रिविलेजेस देता है. तीसरा बात, ऑस्टिन ने जजेस को इग्नोर कर दिया, बट जज लोग भी लॉ बनाता है. चौथा बात, इंटरनेशनल लॉ ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिया, बट वी ऑल्सो टेक परसुएसिव प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉज. मक्खन सर, ये पूरा जॉन ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ हो गया. देखो अब मार्क कर रहे हैं, फिर से रिविजन हो जाएगा. समझ गए, अब रिविजन रेडी ना, आ जाओ. John Austin, he was the first occupant of the chair of jurisprudence. मतलब समझ लो ये jurisprudence का chairman था at University of London. ठीक है, he was the chairperson of jurisprudence of University of London. हालांकि इससे अपने को लेना देना नहीं है. Austin is known for his command theory of law. He was positivistic
मतलब पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का था, ठीक है। इसने बोला क्या भाई, इसने बोला क्या, इसने यही बोला कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। आहा, कमांड सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब लॉ हैज थ्री मेन फीचर्स। बता दो थ्री मेन फीचर्स क्या क्या, अभी तो वन टू थ्री दिया। कमांड सॉवरेन सैंक्शन, इट इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन इन्वॉल्विंग सैंक्शन। अब हम लोग ये तीनों शब्द को समझते हैं, कमांड सॉवरेन और सैंक्शन को। ये देखो सबसे पहले कमांड शब्द को समझते हैं। अरे बताए ना कमांड मतलब क्या, इट्स एन विश ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर विच दे वॉन्ट पॉलिटिकल इन्फीरियर्स टू फॉलो। इट्स अ विश और डिजायर, विश और डिजायर ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। वो इंटेलिजेंट पर्सन समझ जाओ कौन है, पॉलिटिकल सुपीरियर कमांडर्स। इट्स अ विश ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन डायरेक्टिंग अनदर पर्सन यानी पॉलिटिकल इंफीरियर टू डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग सम एक्ट, या तो ये करो या ये मत करो। ये हम लोग बताएंगे, पॉलिटिकल सुपीरियर वाले बताएंगे इंफीरियर को, और अगर वायलेट कर दिया तो इविल कंसिक्वेंसेस तुम्हारे खिलाफ होगा। मतलब यहां पर कमांड में दो पार्टीज चाहिए, एक तो कमांडर, कमांडर कौन हो गया पॉलिटिकल सुपीरियर, एंड कमांडेड पॉलिटिकल इंफीरियर। बहुत सिंपल है, पूरा याद हो गया, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, बट मेन पॉइंट्स आपको कमांड का दिमाग में रहेगा। इट्स अ विश और कमांड गिवन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकली इंफीरियर टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, कमांडर एंड कमांडेड। सॉवरेन कौन है, कमांडर है, पॉलिटिकल सुपीरियर है ना। He has defined sovereign as an authority that received, हाँ जी from people, people हाँ जी करेंगे obedient, obedience ही maintain करेंगे towards the sovereign, but sovereign खुद किसी को obey नहीं करेगा, okay, और sovereign ही सारा law बनाएगा। ये गलत है ना, judge लोग भी बनाते हैं, criticism है, और sovereign obey किसी को नहीं करेगा, ये भी गलत है, constitution follow करना पड़ता है। sanction मतलब evil consequence follow करना पड़ेगा commanded को, political inferior को, अगर उन्होंने commander का बात नहीं माना। Evil consequence that follows on violation of the command. Clear? बस यहीं तक। तो ये हो गया पूरा ऑस्टिन का command theory of law, लेकिन इसका criticism भी आपको exam में लिखना पड़ेगा। कितना criticism मैंने बताया था? चार। फटाफट देखो चार criticism। भाई welfare state passes a number of social legislations also, social welfare laws also, जिसमें कुछ command वमांड नहीं किया जाता, rather rights दिया जाता है, benefits दिया जाता है, तो वो सब तो कमांड थ्योरी के अंदर नहीं आता ना। समझना, ऑस्टिन ने क्या बोला कि सॉवरेन डज नॉट हैव टू ऑबे एनीवन, लेकिन गलत है ना ये बात तो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट मेक लॉ दैट आर वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑस्टिन ने बोला जज लोग, ऑस्टिन डज नॉट प्रोवाइड फॉर जजेस टू मेक द लॉ, बोला खाली कमांडर्स बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन ये तो गलत है ना। In reality, judges also make positive law. Okay. Austin का और एक criticism है कि it did not recognize international law because they are not backed by any sovereign. हमारा government थोड़ी ना American government के अंदर आता है, ठीक है, but we do refer American case studies, English case studies. So Austin did not recognize international law because they are not backed by sovereign. ये भी एक criticism है. Sir, जितना आप highlight कर रहे हैं उतना ही, बिल्कुल बिल्कुल 100% उतना ही। ये हो गया पूरा ऑस्टिन, सच बताओ दिमाग में याद हो गया होगा पूरा, ऐसा लग रहा होगा कि 5 मिनट पढ़ोगे और हो जाएगा, बिल्कुल। तो मेक श्योर वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे, आप 2 घंटा देना, पूरा चैप्टर आपके जेब में रहेगा। चलो अब हम लोग आ रहे हैं रॉस्को पॉन्ड में। रॉस्को पॉन्ड एक अमेरिकन जुरिस्ट था। अब रॉस्को पॉन्ड जो था, अगर आपको याद हो, ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लॉ में बिलीव करता था। तो रॉस्को पॉन्ड जो लॉ के बारे में बोला ना, वो पूरा सोशियोलॉजिकल लॉ के बारे में बोला। इनफैक्ट इसका थ्योरी ऑफ लॉ को हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पॉन्ड थ्योरी ऑफ लॉ इज आल्सो नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्को पॉन्ड क्या बोला पता है, कि बिफोर मेकिंग लॉ फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट वेरियस इंटरेस्ट्स प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, फाइंड आउट वेरियस इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, और फिर एक लॉ का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है
वो सेटिस्फाई हो लोगों का। तो पहले पता करो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, चाहे वो लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, सोशल इंटरेस्ट हो। पता करो लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट। सो फाइंड आउट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज इंटरेस्ट एंड देन मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉ इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमम इंटरेस्ट एंड वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड। नॉट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल इंटरेस्ट। जैसे अगर हम लोग लॉ बना रहे हैं कि इंप्लॉयर बोनस देगा तो इंप्लॉई के इंटरेस्ट में, लेकिन इंप्लॉयर के इंटरेस्ट के खिलाफ है। टैक्स देगा गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जितना हद तक हो सके अलग अलग इंटरेस्ट को बैलेंस करके, बैलेंस ऑफ ऑल इंटरेस्ट करके ट्राई टू सेटिस्फाई मैक्सिमम इंटरेस्ट पॉसिबल, ताकि कम से कम इंटरेस्ट वेस्ट हो, छूट जाए जो सेटिस्फाई नहीं हो। तो इंजीनियर लोग जैसे क्या करते हैं, इंजीनियर लोग जब बिल्डिंग बनाता है, इसी तरीके से बिल्डिंग बनाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा उन लोग जो ईटा वगैरह लाया है, इक्विपमेंट्स लाया है, वो मैक्सिमम यूज हो और मिनिमम वेस्टेज हो। उसी प्रकार रॉस्को पॉन्ड बोल रहा है कि पहले आप स्टॉक इकट्ठा कर लो, इन्वेंट्री इकट्ठा कर लो। क्या ईटा बालू का? नहीं, इंटरेस्ट का। सो मेक एन इन्वेंट्री, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज इंटरेस्ट, देन ट्राई टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉ इन विच वी कैन फिट मैक्सिमम इंटरेस्ट सो दैट मिनिमम इंटरेस्ट गेट्स आउट एंड वेस्टेड, एंड ओवरऑल वी कैन मेंटेन अ बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। दिस इज वॉट रॉस्को पॉन्ड सोशल इंजीनियरिंग सीज, देन ओनली द सोसाइटी विल बी कॉल्ड एफिशियंट सोसाइटी। ये बोला आप ऐसा अगर करोगे तभी सोसाइटी को एक एफिशिएंट सोसाइटी माना जाएगा। आइए देखते हैं, रॉस्को पॉन्ड अमेरिकन जूरिस्ट, ही वाज़ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट, ओपोनेंट मतलब अपोज, प्रोपोनेंट मतलब सपोर्ट, प्रो ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला भाई सिमिलर है, जॉब सिमिलर है एक लॉयर का और एक इंजीनियर का, एंड ही गेव हिज थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में इसने क्या बोला कि भाई द गोल ऑफ दिस थ्योरी वाज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ सोसाइटी का वेयर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स ऑफ मैक्सिमम वाज अचीव्ड विद मिनिमम वेस्ट्स एंड फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन मतलब मिनिमम डिफरेंसेस। Such a society would be an efficient society. मतलब efficient society बनाने के लिए, for an efficient society there has to be ये तीन बात, recognition of certain interests, क्या क्या certain interests, मैंने तीन interests का नाम बताया था, individual interest, social interest and state interest. State interest means public interest. Recognition of certain interests, पहले interests को पहचानो तभी ना law बनाओगे, रॉस्को पॉन्ड बोला, इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोशल। और ये इन लोग का जो इंटरेस्ट है ना, पहचान लिया ना कौन कौन सा इंटरेस्ट, इंडिविजुअल, पब्लिक, सोशल। अब भाई एक लिमिट भी लगा दो कि इंटरेस्ट किस हद तक सेटिस्फाई करना है, डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स विद इन विच सच इंटरेस्ट विल बी लीगली रिकॉग्नाइज। सो पुट अ कैप, पुट अ लिमिट ऑन दिस इंटरेस्ट एंड देन मेक अ लॉ टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट विद इन द लिमिट सेट। Find out the interest, put a limit, make law to protect these interests within the limits set. Teen cheez, social engineering, efficient society banane ke liye teen cheez. Make a list of all the interests, individual, public, social. Put a limit up to which legally these interests can be satisfied. Put a limit up to which legally this interest can be satisfied. Okay. And then make a law to satisfy the interest within the limits fixed. Make a law to secure the interest within the limits fixed. यही तीन पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके रॉस्को पॉन्ड फाइव थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, वही तीन पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके पांच पॉइंट बन गए।
prepare an inventory of the interest along with their classification list. Inventory matlab list of interest and their classification. Kitna classification hoga? 3 classification hoga interest ka. Batao fatafat 3 classification of interest kya kya hoga? Are abhi to bataye the, batao. Individual, public, social. ठीक है, अच्छा इंडिविजुअल पब्लिक और सोशल का भी सब क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा दो मिनट में आ जाएगा, बट पहले ये समझ में आ गया इन्वेंट्री बना लो। अब इसमें से कौन सा इंटरेस्ट लीगली सेटिस्फाई हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी लीगली रिकॉग्नाइज। अब तुम्हारा चाहत है, तुम्हारा कोई क्रश है, तो क्या हम लोग उसको उठा करके तुम्हारे पास ला देंगे? आंसर इज वो संभव नहीं है, वो इलीगल है। तो लीगली आपका कौन सा इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सकता है वो देखेंगे, लिमिट सेट कर देंगे। डिमार्केशन ऑफ लिमिट मतलब फिक्सेशन ऑफ द लिमिट्स। तो इंटरेस्ट बना दो, कौन सा इंटरेस्ट जो है लीगली सेटिस्फाई कर सकते हैं वो पहचान लो, लिमिट सेट कर दो, और फिर लॉ बना दो टू सिक्योर द इंटरेस्ट। बताया ना मैंने, वही है, लॉ बना दो टू सिक्योर द इंटरेस्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। और फिर बार बार इवॉल्व करते जाएगा ये लॉ, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तो लॉ भी चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा। तो पांच चीज बता दो, वही तीन चीज था उसी को पांच में बना दिया गया। मेंटेन अ लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ द इंटरेस्ट अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन, फाइंड आउट द इंटरेस्ट विच कैन बी लीगली प्रोटेक्टेड, सेट द लिमिट्स अप टू विच वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, मेक द लॉ टू सिक्योर द इंटरेस्ट विद इन द लिमिट्स डिफाइंड एंड कीप इवॉल्विंग इट एज पर द चेंज इंटरेस्ट। क्लियर है सर? अब वो जो इंटरेस्ट था ना, क्या क्या था? इंडिविजुअल था, सोशल था, पब्लिक था। अब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट का भी सब क्लासिफिकेशन है। ये देखो रॉस्को पॉन्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहला क्या था? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अरे बहुत सिंपल है, तुम अपने आप को देखो ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट तुमको क्या क्या चाहिए, तुम्हारा क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, मान लो ब्रह्मा जी आकर के तुमसे पूछ रहे हैं, या मेरे से पूछ रहे, ब्रह्मा जी मेरे से आकर के पूछ रहे हैं, मोहित तुमको क्या चाहिए, ये अपने बारे में बताओ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बताओ, अपने चाहतों के बारे में बताओ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बताओ। तो हम उनको यही बोलेंगे, ब्रह्मा जी मेरा फिजिक जो है वो मेंटेन रहे, मेरा विल, मेरा कंसाइंस, सोचने का शक्ति, मेंटली फिजिकली जो है आई शुड बी सेफ, ऐसा लॉ बनाओ जो मेरे को मेंटली और फिजिकली सेफ रखे, हे ब्रह्मा। यही तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा। और मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होगा भाई कि मेरे जो रिश्ते हैं मेरे मम्मी पापा वाइफ के साथ, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। आई शुड बी गिवन माय रिलेशनशिप्स टू बी मेंटेन द वे आई वांट विद माय स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये मेरा इंटरेस्ट होगा। और मेरे को और ये चाहिए, मेरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहे, जो प्रॉपर्टीज मेरा खरीदा हुआ है उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट रहे, अचानक से कोई छीन नहीं ले, मेरा और इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। समझ में आ गया सर? तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में देखो क्या क्या है, मेरा पर्सनालिटी मेरा, मेरा डोमेस्टिक रिलेशनशिप मेरा, मेरे प्रॉपर्टीज मेरे, पर्सनालिटी, रिलेशंस, प्रॉपर्टीज। क्लियर है सर? देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल इंटीग्रिटी, विल, इज्जत, privacy and freedom of conscience, सोचने का शक्ति। Interest in domestic relation, मेरा relationship parents के साथ, children के साथ and spouse के साथ। Interest of substance, मेरा property, freedom to form association, contract, industry and contract, employment, ठीक है, और अगर कोई will वगैरह, वसीयत वगैरह के तहत मेरे को कुछ आ रहा है inheritance, तो वो भी मेरा रहता है। तो ये हो गया individual interest। तुम अपने बारे में सोचो ना यार, तुम्हारा physique, तुम्हारा mental तुम्हारे को राइट है, ये हो गया तुम्हारे पर्सनालिटी, और एक हो गया डोमेस्टिक रिलेशन, और एक हो गया सब्सटेंस यानी प्रॉपर्टीज। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का बात हो रहा है, कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, गवर्नमेंट के पास भी इंटीग्रिटी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड ऑनर। अरे गवर्नमेंट को भी तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, इज्जत चाहिए, ठीक है। Claims of the politically organized society as a corporation to property acquired and held for corporate purposes, government को भी तो चाहिए भाई कि वो properties वगैरह जो है उसके ऊपर उसका
कमांड रहे, कब्जा रहे, तो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ ज्यूरिस्डिक पर्सन में वही सब लिख देना, इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एक्शन रहे, ऑनर रहे एंड गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। और स्टेट को और एक हक है कि वो माई बाप है सोसाइटी का, गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था और बकवास सा, सोशल इंटरेस्ट। अब भाई सोशल इंटरेस्ट, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सोशल इंटरेस्ट बिल्कुल बनता है जनरल सिक्योरिटी का, कि सोसाइटी में हम लोग कहीं भी जाएं तो सेफ रहें, जनरल सेफ्टी रहे ना, हर जगह मारपीट ये सब नहीं हो। तो सोशल इंटरेस्ट इन जनरल सिक्योरिटी मतलब जनरल सेफ्टी, पीस एंड ऑर्डर, बड़ा सिंपल है। जनरल सिक्योरिटी मतलब जनरल सेफ्टी, पीस, ऑर्डर, जनरल हेल्थ, बस। और क्या आपको सोशल इंटरेस्ट है? एक तो भाई सोसाइटी सेफ रहे, पीस रहे, हारमोनी रहे, और दूसरा सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वो सब सेफ रहे। सोशल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक डोमेस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब सब सेफ रहे, सोशल इंस्टीट्यूशन सेफ रहे, सोशल इंटरेस्ट ये सब जगह भी रहना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ठीक है, ड्रंकनेस, ये सब जगह भी एक ऐसा लॉ रहना चाहिए जो सोसाइटी को ये सबसे बचाए, सोसाइटी को गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन से, ड्रंकनेस से, बाइगेमी से, ये सबसे बचाए भाई। बाइगेमी मतलब धोखा देना भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या डबल आदमी लोग से शादी कर लेना, या डबल औरत लोग से शादी कर लेना बिना बताए, और हिंदू लॉ में तो ऐसे भी बैंड है भाई, ठीक है। तो सोशल इंटरेस्ट क्या क्या है भाई? यही कि सोसाइटी सेफ रहे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर मस्जिद सेफ रहे, सोसाइटी में लॉ बनाया जाए ताकि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, बाइगेमी से बचा जाए, सोसाइटी में दारू पी करके लोग लोटपोट हो रहे हैं, ऐसा सोसाइटी चाहिए? नहीं भाई, सोसाइटी में जो सोशल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब सेफ रहे, और जनरल प्रोग्रेस हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। और सोशल इंटरेस्ट जो है ना, सोशल इंटरेस्ट, सेल्फ असर्शन, अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, तब हम लोग को सोशल इंटरेस्ट मिलेगा, जब इंसान को सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे बढ़ने का। क्लियर? तो ये था अपना सोशल इंटरेस्ट। बता दो मेरे को सोशल इंटरेस्ट में क्या क्या है? जनरल सिक्योरिटी, पीस, हार्मोनी, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, टू मेक लॉज टू अवॉइड बाइगैमी, ड्रंकनेस, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशंस, अपॉर्चुनिटी टू एडवांस शुड बी गिवन इन सोसाइटी, एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड जनरल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर। अब क्रिटिसिज्म, रॉस्को पॉन्ड का क्रिटिसिज्म। आपको नहीं लगता बहुत सारा सोसाइटी का जो भी हम लोग सोशल राइट्स पढ़े, तीन राइट था ना, इंडिविजुअल, अरे तीन इंटरेस्ट था ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, आपको नहीं लगता बहुत सारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट मिक्स हो रहा था? यही उसका क्रिटिसिज्म है, कि उसने जो इंटरेस्ट बताया बहुत सारा सोशल इंटरेस्ट ऐसा था जो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किया उसने इंटरेस्ट का, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में काफी कंफ्यूजन है, और स्टेट इंटरेस्ट भी वो क्या बोलना चाहा नहीं समझ में आया बहुत लोगों को। तो ये सबसे बड़ा उसका क्रिटिसिज्म है कि उसने इंटरेस्ट को ठीक से क्लासिफाई नहीं किया। दूसरा, इंटरेस्ट का टाइप्स बता दिया, पैरामीटर बताया, यार्डस्टिक बताया, कैसे मेजर करेंगे ये सब इंटरेस्ट को, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द यार्डस्टिक टू मेजर द इंटरेस्ट, नहीं बताया। तीसरा बात, उसने बोला पहले इंटरेस्ट बनाओ कि पहले लॉ बनाओ, उस रॉस्को पॉन्ड ने बोला पहले इंटरेस्ट का लिस्ट बनाओ फिर लॉ बनाओ, मतलब इंटरेस्ट के बाद लॉ बनाओ। लेकिन तीसरा क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि बहुत सारा लॉ ऐसा है जिसके कारण इंटरेस्ट पैदा होता है, मैनी लॉज अराइज विच गिव्स राइज टू इंटरेस्ट, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो लॉ है जो इंटरेस्ट दिया, कंपटीशन एक्ट लॉ है जिसने इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को भी बचाया एंड ट्रेडर्स को भी बचाया। तो रॉस्को पॉन्ड बोला हमेशा इंटरेस्ट पहले आता है, लेकिन ये बात गलत है, कभी कभार लॉ बनता है उसके बाद इंटरेस्ट जनरेट होता है। रॉस्को पॉन्ड बोला कि भाई लेजिस्लेचर,
मतलब पार्लियामेंट ये सब इंटरेस्ट को पहचाने और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करे, बट एक्चुअल में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने का काम जज लोग का रहता है, उन लोग सबके इंटरेस्ट में जो है जजमेंट सुनाता है। तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इट इज नॉट द मेन जॉब ऑफ द पार्लियामेंट, रादर इट इज द मेन जॉब ऑफ अ जज। क्या क्या मेन इसका क्रिटिसिज्म है मेरे को फटाफट बता दो, बहुत सारा इंटरेस्ट आपस में मिक्स हो जा रहा है, कंफ्यूजन है, ये पहला क्रिटिसिज्म। यार्डस्टिक टू मेजर इंटरेस्ट नहीं बताया, हाउ टू मेजर इंटरेस्ट नहीं बताया, बोला इंटरेस्ट पहले आता है, लेकिन बहुत बार लॉ पहले आता है फिर इंटरेस्ट आता है ना। और इसने बोला कि बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कौन करेगा, पार्लियामेंट, लेकिन ये काम जज लोग का मेन है। देखो देखो भाई आ जाओ, क्या बोला, देखो पहला क्रिटिसिज्म कौन बोला था कि इंटरेस्ट हमेशा पहले आएगा लॉ के, लेकिन यह बात गलत है। बट वी सी दैट लॉट ऑफ इंटरेस्ट टुडे आर क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ ने क्रिएट किया वो इंटरेस्ट को, मतलब लॉ पहले आया इंटरेस्ट बाद में, जितना हाईलाइट करें बस उतना ही। द थ्योरी रॉस्को पॉन्ड का थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यार्डस्टिक नहीं दिया, इट इज नॉट द इंटरेस्ट दैट मैटर्स बट द यार्डस्टिक ऑफ मेजरमेंट दैट मैटर्स, तो वो तो यार्डस्टिक आपने दिया नहीं। फिर इसने बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, बट ये काम तो मेनली कौन करता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, जज लोग करेगा ना, बिकॉज जज ट्रांसलेट करता है एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द केस, जजेस ट्रांसलेट द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द केस एंड दे आर द बेस्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट। लेकिन इसका थ्योरी क्या किया था, दस हिज थ्योरी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू जुडिशियरी इन कंपैरिजन टू लेजिस्लेचर। मतलब ज्यादा इज्जत ये जज को दे दिया एक्चुअली। फिर पब्लिक सोशल इंटरेस्ट जो है, इसका जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट डाउटफुल, इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट में भी बहुत माइनर सिग्निफिकेंस था, तो फिर बनाए क्यों अलग अलग जब सब एक था। और ना इंटरेस्ट का जो बात होता है ना वो लॉ का बात नहीं होता, पॉलिसी का बात होता है। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, ठीक है, नॉट अ मैटर ऑफ लॉ। तो ये फिफ्थ क्रिटिसिज्म, तो ये पांच क्रिटिसिज्म मेरे बच्चों दिमाग में रखना है, सच बताओ याद हो गया होगा एकदम, अगेन पांच मिनट दोगे खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ सैलमंड, ये न्यूजीलैंड का भैया लॉ का प्रोफेसर था और सुप्रीम कोर्ट का जज भी था, कहां पर सुप्रीम कोर्ट, न्यूजीलैंड वाला सुप्रीम कोर्ट का जज था। सैलमंड का लॉ में आ जाओ, सैलमंड का लॉ जो है वो क्या बोलता है, मेनली उसका क्रिटिसिज्म पूछता है बट फिर भी ये क्या बोलता है सुन लो पहले। सैलमंड अगर आपको याद हो ये अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, आज भी आया था इनफैक्ट, ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। सैलमंड यूज टू बिलीव इन नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट और इसने डेफिनेशन भी दिया था लॉ का कि लॉ है क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाइड बाय द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, लॉ मीन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, recognized मतलब बनाया गया and applied by the state, recognized and applied by the state for administration of justice। अब ये definition को break करना है हम लोग को सैलमंड का theory of law। सैलमंड law को क्या समझ रहा है कि भाई law एक ऐसा चीज है जिससे justice मिले, बात खत्म, law equal to justice, that's it, finish। सैलमंड के हिसाब से कि the purpose of law is to do justice, बात बाकी कुछ नहीं। ये देखो सैलमंड क्लेम दैट पर्पस ऑफ लॉ वाज टू डू जस्टिस, डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस टू पीपल, एंड इन दिस सेंस ये डिफर कर रहा है ऑस्टिन से एंड बेंथम से, एंड ही डिफर्ड फ्रॉम बेंथम एंड ऑस्टिन बिकॉज बेंथम एंड ऑस्टिन वेंट इनटू द एनालिसिस ऑफ लॉ विदाउट गोइंग इनटू द पर्पस। तो सैलमंड क्या बोल रहा है भाई, सैलमंड एक ही चीज बोल रहा है, लॉ मीन्स delivering justice to people, and it differs from Austin and Bentham in a way because they went into the analysis of law। ठीक है, तो आप इसको point form में दिमाग में रखिएगा, ये point one रख लीजिए आप, फिर this paragraph is not required, ये वाला paragraph को point two, ये अब क्या बोल रहे भाई, law का definition according to Salmon, law is body of principles, बताया था ना, law is body of principles which are
recognized and applied by the state for administration of justice. ठीक है, तो यहां पर लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कौन बनाएगा और कौन लागू करेगा, स्टेट, ताकि क्या हो सके, जस्टिस हो सके. तीसरा बात भाई ये बोला, कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ कंपल्शन चाहिए. यहां समझ करिए, सेलमन सेज ह्यूमन एक्सपीरियंस हैज मेड इट क्लियर कि कुछ तो कंपल्शन चाहिए तभी जस्टिस मेंटेन होगा, इसीलिए लॉ बनाने का दरकार है. मतलब इफ अ जस्ट सोसाइटी इज टू बी मेंटेन, इट इज नेसेसरी टू ऐड कंपल्शन सो दैट पीपल वॉक ऑन द डिजायर्ड पाथ. क्लियर है ना यहां तक बात? तो इसके लिए जस्टिस डिलीवर करने के लिए क्या होगा, जस्टिस डिलीवर करने के लिए आपको राइट्स मेंटेन करने के लिए फिजिकल फोर्स लगाना पड़ेगा ऑफ द स्टेट. स्टेट को अपना फिजिकल फोर्स यूज करना पड़ेगा तभी जाकर के जस्टिस मेंटेन होगा. ठीक है, वापस रिविजन करेंगे बट एक बार पहले पॉइंट्स मार्क कर लो. सेलमन यही बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस जो है वॉज अ प्राइमरी टास्क ऑफ द स्टेट एंड लॉ, तो भाई वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है. मतलब स्टेट का, गवर्नमेंट का काम लॉ बनाना नहीं है, जस्टिस करना है, और जस्टिस करने के लिए ही लॉ बनाया जाता है. मतलब लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस करना. स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस देना. तो स्टेट का प्राइमरी टास्क क्या है, लॉ बनाना कि जस्टिस, जस्टिस उसी के लिए लॉ बनता है. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्राइमरी है, लॉ सेकेंडरी है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज दस एंटीसीडेंट, मतलब वो पहले आएगा, लॉ तो सेकेंडरी है, वो बाद में आएगा. पांचवा चीज, यही बोला कि डेवलपमेंट, सेलमन सेज दैट डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिजिड प्री एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स. समझ में आ गया, पुराने जो प्रिंसिपल्स है, विचारधाराएं हैं, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विथ चेंजेस ऑफ लॉ के साथ. रिजिडिटी नहीं चलेगा. क्लियर है सर? तो मेरे को बता दो सेलमन का पांच मेन बात बता दो. सेलमन थ्योरी ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ न्यूजीलैंड, बिलोंग टू नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट, एंड अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट थ्योरी ऑफ लॉ, ही गेव फाइव पॉइंट्स. पर्पस ऑफ लॉ वॉज टू डिलीवर जस्टिस. इन दिस वे ही डिफर, he differed from Austin and Bentham who went into the analysis of law. Phir law ka definition bol dena. Law is, according to Salman, law is body of principles recognized and applied by the state for the purposes of administration of justice. Teesra baat, because of human experience it is clear that there has to be some sort of compulsion to deliver justice. So for a just society there has to be compulsion and therefore law is made in which state will use its physical force. चौथा बात क्या बोला, स्टेट का प्राइमरी काम लॉ बनाना नहीं है, स्टेट का प्राइमरी काम जस्टिस करना है, सेकेंडरी काम है लॉ बनाना ताकि जस्टिस हो सके. पांचवा बात क्या बोला, कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगा, जस्टिस तभी डिलीवर होगा जब प्री एस्टैब्लिश्ड रिजिड प्रिंसिपल कीप्स चेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटेड. क्लियर है सर? अब इसका क्रिटिसिज्म में आ जाओ, ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है, तीन ही क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये ज्यादा कुछ बोला नहीं तो क्रिटिसिज्म भी ज्यादा नहीं है. इसने खाली लॉ को एक बांध दिया कि भाई जस्टिस दो बस इतना ही, लेकिन लॉ का और भी काम है यार, क्राइम रोकना भी तो काम है. जस्टिस मतलब हो गया आपके साथ क्राइम हो गया, आपको इंसाफ मिल गया, लेकिन अगर लॉ बना हुआ रहेगा तो जस्टिस का हो सकता है नौबत ही नहीं आए, डर के मारे लोग क्राइम करना छोड़ दें, इजंट इट? और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है, पहला क्रिटिसिज्म समझा है, इसने लॉ को खाली जस्टिस के साथ बांध दिया, बट लॉ का और भी ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि इसने खाली बोला कि लॉ इज इक्वल टू जस्टिस, बट कुछ कुछ लॉ ऐसे भी है, कानून ऐसे भी है जो अनजस्ट है, बट वो है,
जैसे गवर्नमेंट का कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, कहां का इंसाफ है ये? बड़ी कानून है, गवर्नमेंट कैन कंपलसरी एक्वायर द लैंड. तो सैलमंस क्लेम, एसर्शन मतलब क्लेम, दैट जस्टिस इज द एंड मतलब ऑब्जेक्टिव एंड लॉ इज अ मीडियम टू रियलाइज इट डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू बिकॉज देर आर सम लॉज विच आर कॉल्ड अनजस्ट. एग्जाम्पल कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाई गवर्नमेंट, विच इज अ लॉ अलाउड बट इट इज अनजस्ट. दूसरा बात कि खाली जस्टिस ही पर्पस नहीं होता लॉ का, लॉ और भी पर्पसेस को सेटिस्फाई करता है, खाली जस्टिस देना उसका काम नहीं है, और लॉ के और भी एंड्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्लियर. और तीसरा बात कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है जब सैलमन बोलता है कि पर्पस ऑफ लॉ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट एक तरफ सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और दूसरी तरफ उसने जुरिस्प्रूडेंस को बोला था स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ ऑफ अ नेशनल लीगल सिस्टम बिकॉज जस्टिस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट. तो सुनो ना, एक तरफ सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब, बहुत ध्यान से, सैलमन बोल रहा है लॉ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो जस्टिस तो खाली देश में नहीं होता, देश विदेश हर जगह होना चाहिए. और दूसरा तरफ मतलब एक तरफ बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, और दूसरा तरफ बोल रहा है सैलमन कि जुरिस्प्रूडेंस मतलब होता है जो आपने पढ़े थे ना थोड़ा देर पहले, सिविल लॉ ऑफ नेशनल लीगल सिस्टम. क्यों भाई, इंटरनेशनल जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज जस्टिस तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन जो उसका जुरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन आया वो तो खाली नेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित रहेगी. तो एक तरफ आप बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, और एक तरफ बोल रहे हैं फॉलो योर नेशनल बाउंड्रीज विच इज नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट. क्लियर. तो ये तीन ठो इसका क्रिटिसिज्म था सैलमन थ्योरी का. अब आ जाइए आप केल्सन के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. केल्सन, हेंस केल्सन, ये भी पॉजिटिविस्टिक थॉट को बिलोंग करता है. अब केल्सन क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनो. अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था केल्सन गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. सो केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, अब यहां पर समझना हम लोग को, ध्यान लगाओ. केल्सन जो है ना, सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया अपने बाद बाकी साथी लोगों को, जुरिस्ट लोग को, और केल्सन बोला बाद बाकी जुरिस्ट लोग है ना, उन लोगों का थ्योरी ऑफ लॉ ज्यादातर रिलीजियन पॉलिटिक्स ये सब से आया हुआ है, मॉरल रिलीजियन ये सब से उन्होंने जो है लॉ का कंसेप्ट बताया, जो कि गलत है. अकॉर्डिंग टू केल्सन द अदर जुरिस्ट हैव गिव देयर मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू रिलीजन एटसेट्रा मॉरल ड्यूटीज एटसेट्रा विच इज टोटली रॉन्ग. और केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलता है कि हम लोग को एक बेसिक लॉ फंडामेंटल लॉ आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वहीं से फिर आगे तक हम लोग को लॉ जो है वो डिराइव करना चाहिए. द फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द बेसिक लॉ एंड देन सब लॉज कैन फॉलो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक लॉ. लाइक इंडिया में सारा का सारा लॉ जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या हो गया, बेसिक लॉ. फिर आप चाहे आप कंपटीशन एक्ट बना लो, कंपनीज एक्ट बना लो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर के काम करेंगे. ये जो बेसिक लॉ है इसको बोलते हैं ग्रंड नॉर्म. क्या बोलते हैं, ग्रंड नॉर्म. ये है इसका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. अब आइए देखिए, हेनरी केल्सन, ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर एंड जुरिस्ट, गेव प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. केल्सन बिलीव दैट द कॉन्ट्रोवर्सी स्टडी, जो इसके साथी लोग थ्योरीज ऑफ लॉ वगैरह दिए हैं, वर इम्प्योर. इसका प्योर है, बाद बाकी का इम्प्योर है. बिकॉज क्यों इम्प्योर है, बिकॉज दे वर ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड लाइक रिलीजन मॉरलिटी टू एक्सप्लेन द लीगल कंसेप्ट. केल्सन भी ऑस्टिन की तरह याद है ना, पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था. ये हो गया पॉइंट वन आपका. फिर आप सीधा पॉइंट टू में, अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ प्राइमरी नॉर्म है विथ स्टिप्यूलेट सैंक्शन. बिल्कुल, लॉ एक प्राइमरी नॉर्म है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट सामना करना पड़ेगा. ओके, लॉ फॉलो नहीं करेंगे, लॉ इज प्राइमरी, नहीं फॉलो करेंगे तो सैंक्शन यानी पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा. सैंक्शन क्या होता है, वही रूल्स फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर.
सैंक्शन विल बी अप्लाइड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। अब मेन बात जो ग्रैंड नॉर्म वाला है, जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रैंड नॉर्म है, बाद बाकी सब लॉज जो है वो ग्रैंड नॉर्म को ही फॉलो करके बनाए गए हैं। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म हो गया और जितना भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही बनाया गया है। ये रहा, ध्यान से देखो। हाईएस्ट पॉसिबल नॉर्म वॉज टर्म्ड बाई कैल्सन एज ग्रैंड नॉर्म। जो हाईएस्ट पॉसिबल नॉर्म है, जो बेसिक लॉ है जिसको सारे बाद बाकी कानून फॉलो करेंगे, वो है ग्रैंड नॉर्म, है ना। और फिर कैल्सन का जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इट इज बेस्ड ऑन पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स व्हिच डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम द बेसिक लॉ। दिस इज द हायरार्की ऑफ ऑल द लॉज एंड दिस हायरार्की ऑफ ऑल द लॉज विल डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम द टॉप मोस्ट ग्रैंड नॉर्म। मतलब ग्रैंड नॉर्म यानी बेसिक नॉर्म जो हम सीख रहे हैं कब से, डिटरमाइंस द कंटेंट एंड गिव्स वैलिडिटी टू अदर नॉर्म्स डिराइव फ्रॉम इट। दिमाग में जा रहा है सारा बात। ग्रैंड नॉर्म इज अ बेसिक नॉर्म विच गिव्स वैलिडिटी टू द अदर नॉर्म्स अदर लॉज, ठीक है। मतलब इन हिज व्यू बेसिक नॉर्म ही कारण है बाद बाकी सोशल लॉ, इकोनॉमिक लॉ, पॉलिटिकल एंड अदर लॉज का। इसका एक एग्जांपल भी दे दीजिएगा। इन इंडिया अ स्टैट्यूट ऑफ लॉ इज वैलिड बिकॉज इट डिराइव्स इट्स लीगल अथॉरिटी फ्रॉम पार्लियामेंट, है ना। स्टैट्यूट लॉ कब वैलिड होता है? जब स्टैट्यूट लॉ तभी वैलिड होता है जब वो पार्लियामेंट में पास होता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है। अच्छा, ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो कि लॉ बनाता है, इन लोग को कहां से अथॉरिटी मिलता है? फ्रॉम अ नॉर्म विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से वैलिडिटी मिलता है? वो तो सुप्रीम है, उसको कहीं से वैलिडिटी नहीं मिलता, मतलब वो ग्रैंड नॉर्म है। एज टू द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डज कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स वैलिडिटी, देयर इज नो आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडिटी कौन देता है, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका ग्रैंड नॉर्म है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज देयरफॉर ग्रैंड नॉर्म अकॉर्डिंग टू कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ। तो जबरदस्त कंसेप्ट था, समझ में आ गया। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट था लेकिन आपको समझ में आ गया है। ग्रैंड नॉर्म क्या है? बेसिक नॉर्म है, सुप्रीम लॉ है विच गिव्स कंटेंट एंड वैलिडिटी टू अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ग्रैंड नॉर्म, उसको वैलिडिटी कौन देता है? वो नहीं पता, तभी तो वो ग्रैंड नॉर्म है, बेसिक नॉर्म है, और वो बाद बाकी चीजों को वैलिडिटी देता है। वापस से 500 पॉइंट रिवाइज कर लो। हेनरी कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया, इसके बाद बाकी कंटेम्प्रेरीज ने जो लॉ दिया था इसके अनुसार वो रिलीजन बेस्ड था, मॉरलिटी बेस्ड था। और ये भी जॉन ऑस्टिन की तरह एक पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट था। दूसरा बात क्या है कि लॉ प्राइमरी है, नहीं फॉलो करके सैंक्शन लगेगा। सैंक्शन क्या है? रूल, सैंक्शन इज अ रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन बिहेवियर and it will be applied for violation of law. चौथा बात, पूरा ग्रैंड नॉर्म को एक्सप्लेन कर देना है कि ग्रैंड नॉर्म ही बेसिक नॉर्म है which gives content and validity to other laws. All other law, political, social, economical will derive its validity from basic norm which is called grand norm. For example, in India, constitution is a grand norm and it gives validity to all other laws. For example, parliament and president makes a law. But who has given the power to parliament and president? The constitution. Who has given the power to constitution? That is not traceable. So constitution is a grand norm. अब इसका criticism ये है कि grand norm जो बोल रहे हो, हर country में वो trace करना possible नहीं है। सारे के सारे country में थोड़ी ना संविधान होता है, China में संविधान थोड़ी ना है। तब फिर तो in every country it is not possible. Arabian countries में चले जाओ, China चले जाओ, वहां पर तो grand norm possible नहीं है। So हर country में grand norm possible नहीं है ढूंढना। So it is difficult to trace grand norm in every legal system. और कोई rule और yardstick भी नहीं है कि what are the parameters which you satisfy, then you will be treated as a grand norm. So in many legal countries, in many legal systems, it's not possible to trace grand norm because there are no fixed parameters to identify the grand norm. अच्छा, pure theory में कोई time frame नहीं दिया कि कब तक जस्टिस हो जाना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए लॉ। डिड नॉट गिव द टाइम फ्रेम फॉर विच द इफेक्टिवनेस शुड होल्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिडिटी टू बी सैटिस्फाइड। तो इट वॉज विदाउट एनी टाइम फ्रेम, ये याद कर लेना।
अच्छा कैल्सन अपना साथी लोग को क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार इन लोग तो मॉरलिटी रिलीजन ये सब देखता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग ग्रैंड नॉर्म खोजने जाएंगे तो हम लोग को भी तो मॉरलिटी और पास हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा, तब तो फिर वो भी प्योर नहीं रहा, वो भी इम्प्योर हो गया। कैल्सन बोल रहा था ना यार इन लोग तो रिलीजन मॉरलिटी देखता है, तो ग्रैंड नॉर्म ढूंढते समय भाई ये ग्रैंड नॉर्म बना, ये ग्रैंड नॉर्म है कि नहीं है, इसको किसने पावर दिया, अच्छा इस रिलीजन ने, अच्छा इस सोसाइटी ने, तो हम लोग भी तो ये सब चीज देख रहे हैं मॉरलिटी रिलीजन। तो कैल्सन थ्योरी सीजेस टू बी प्योर द मोमेंट वन ट्राइज टू एनालाइज द ग्रैंड नॉर्म, ठीक है, अपॉन बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट्स, बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी हिस्ट्री मॉरलिटी। सो इफ यू ट्राई टू एनालाइज द ग्रैंड नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजी हिस्टोरी हिस्ट्री एंड दिस मॉरलिटी देन इट बिकम्स इम्प्योर। इंटरनेशनल लॉ डज नॉट सिट वेल विद इन कैल्सन प्योर थ्योरी, इंटरनेशनल लॉ जो है यहां पर फिट नहीं होता, बस इतना। ये चार्टो क्रिटिसिज्म जो है आप दिमाग में रखिए, बस बस चिंता मत करो, खत्म होने वाला है लेक्चर, खत्म होने वाला है 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट है दोस्तों, बस फिनिश, बेंथम इज द लास्ट। और ये सिंपल है, जेरेमी बेंथम जो है भाई वो सिंपल है, फटाफट आ जाओ, 10 मिनट्स मोर, आइए भाई पूरा याद करवा देंगे, गारंटी है। जेरेमी बेंथम, बेंथम जो है क्या बात बोला, क्या बात बोला बेंथम, कि भाई इंसान जो है वो दो चीजों में फंसा हुआ है, पेन एंड प्लेजर, और कुछ नहीं है, या तो आप पेन बियर कर रहे हैं या फिर आप प्लेजर एंजॉय कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट एवरी ह्यूमन फेस, पेन एंड प्लेजर। अब बेंथम लॉ के साथ इस चीज को कैसे जोड़ा, कि लॉ ऐसा बनाया जाए कि इंसान जो है वो अपना प्लेजर एंजॉय कर सके, पेन से बच सके, उसके लिए लॉ बना, टू अवॉइड द पेन एंड टू लेट द सोसाइटी एंजॉय द प्लेजर। क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग खुश नहीं रहेंगे कोई खुश नहीं रह सकता, और बेंथम यहां तक बोला कि सबके खुशी में ही इंसान का खुशी है। लो इस बात का क्रिटिसिज्म भी होगा। अब ये देखो बेंथम, बेंथम क्लेम दैट नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर कमांड ऑफ टू सॉवरेन, पेन एंड प्लेजर। अब प्लेजर ही इसका थ्योरी ऑफ लॉ है, देखो प्लेजर ही इज द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ बेंथम। ये क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ लॉ, जो लॉ का काम होना चाहिए, इट शुड बी, फंक्शन ऑफ लॉ शुड बी टू ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, बिकॉज हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन द हैप्पीनेस ऑफ ऑल। आपके खुशी में ही सबका खुशी आ जाएगा, ठीक है। तो बेंथम क्या बोला, बेंथम बोला लॉ ऐसा बनाओ विच, देखो वी आर आइदर सफरिंग पेन और वी आर गोइंग टू एंजॉय द प्लेजर, सो लॉ शुड हेल्प अस टू एंजॉय द प्लेजर, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ऑल, लॉ शुड इंश्योर मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ऑल, बिकॉज इन हैप्पीनेस ऑफ ईच पर्सन लाइज द हैप्पीनेस ऑफ ऑल पर्सन। ओके तो लॉ ऐसा बनाओ टू इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इन जनरल, जनरल मतलब पूरा सोसाइटी खुश रहे, नॉट टू गारंटी द सेल्फिश डिजायर ऑफ इंडिविजुअल। लॉ शुड नॉट गारंटी द सेल्फिश डिजायर ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल, बट कॉन्शियसली टू सिक्योर द कॉमन गुड। लॉ शुड ट्राई टू मेक द कॉमन सोसाइटी हैप्पी रेदर देन टू फुलफिल सेल्फिश डिजायर ऑफ सम इंडिविजुअल। बेंथम बोला भाई लॉ का 8 एस्पेक्ट होता है, मैं इसका एक्रोनिम बना दूंगा आपके लिए, बट पहले एक बार ये 8 एस्पेक्ट समझ लो, बहुत सिंपल है, खाली सुन लो याद हो जाएगा। बेंथम ने लॉ का 8 एस्पेक्ट बताया, बोला सोर्स, हर लॉ का एक सोर्स होता है, यानी लेजिस्लेचर, द सोर्स ऑफ लॉ इज द विल ऑफ सॉवरिन, ठीक है, जो लॉ बनाएगा, बस वहीं पर। तो सोर्स क्या है, जो लॉ बनाएगा, दैट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ लागू किया जाए, लॉ हो सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर लागू हो या इंसान के ऊपर भी लागू हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी है और सिविल प्रोसीजर कोड भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है जो इंसानों के ऊपर लागू है। तो सोर्स मतलब जो लॉ बना रहा है, सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए लॉ बनाया जा रहा है, दे मे बी पर्सन और थिंग्स, दे मे बी एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। अरे भाई प्रॉपर्टी है तो पैसिव है, इंसान है तो एक्टिव है। हर लॉ का एक ऑब्जेक्ट होगा यानी गोल होगा, एक्सटेंट मतलब अप टू व्हाट टेरिटरी ऑफ द लैंड विल द लॉ अप्लाई, लॉ कवर्स अ पोर्शन ऑफ द लैंड, वो हो गया एक्सटेंट। एस्पेक्ट, हर लॉ का दो एस्पेक्ट होगा, डायरेक्टिव ये काम कर, सैंक्शन नहीं किया
तो ठोकेंगे। डायरेक्टिव एंड सैंक्शनल पार्ट। डायरेक्टिव मतलब आपको ये काम करना है, सैंक्शन मतलब पनिशमेंट इफ यू डोंट फॉलो द डायरेक्टिव। लिख सकेंगे तो पढ़ना नहीं है। फोर्स, ऑब्वियस बात है मैंडेटरी फोर्स रहेगा। मोटिवेशन टू ऑबे अ लॉ इज जनरेटेड बाय द फोर्स बिहाइंड द लॉ। मैंडेटरी रखोगे तभी लॉ फॉलो होगा, नहीं तो फॉलो नहीं होगा। रेमेडियल अपेंडेज, जजेस के पास जो है ना सेट ऑफ लॉज रहना चाहिए जिसके हिसाब से वो डिलीवर कर सके जस्टिस। सो जजेस शुड बी गिवन अ सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज बेस्ड ऑन विच द जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड। दीज आर सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज गिवन टू जजेस थ्रू विच जजेस गिव द जस्टिस, क्योर द एविल। ओके, एक्सप्रेशन, लॉ इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेंस विल। लॉ इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेंस विल। तो देखो भाई, लॉ में आठ एस्पेक्ट बेंथम ने क्या क्या बताया। सोर्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, सोर्स हो गया। सब्जेक्ट, दैट इज द पर्सन और द थिंग ऑन विच द लॉ शैल अप्लाई, इट मे बी एक्टिव पैसिव। ऑब्जेक्ट, द गोल ऑफ द लॉ। एक्सटेंड, द टेरिटोरियल बाउंड्री विद इन विच द लॉ शैल अप्लाई। ठीक है, एस्पेक्ट्स डायरेक्टरी एंड सैंक्शनल। फिर फोर्स, मैंडेटरी फोर्स रहेगा तभी होगा। रेमेडियल अपेंडेज, सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज गिवन टू द जज टू क्योर द एविल। एंड एक्सप्रेशन, अल्टीमेटली लॉ इज नथिंग बट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ या फॉर्मर विल ऑफ लेजिस्लेचर। इट इज अ विल ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेंस विल। अब इसको याद करने का तरीका भाई मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे याद कर लो। फोर्स, अ फोर्स, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ए से क्या था, एस्पेक्ट, एफ से फोर्स, ऑब्जेक्ट, रेमेडियल अपेंडेज, सोर्स, सब्जेक्ट, एक्सटेंट, एक्सप्रेशन, अ फोर्स। ए से एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होता है ना, डायरेक्टरी एस्पेक्ट होता है और सैंक्शन एस्पेक्ट होता है। एफ से तो फोर्स, मैंडेटरी रखोगे, ऑब्जेक्ट, गोल, रेमेडियल अपेंडेज, सेट ऑफ सब्सिडरी लॉज गिवन टू जजेस टू क्योर द एविल, सोर्स लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट ऑन विच द लॉ शैल अप्लाई, एक्सटेंट टेरिटरी, एक्सप्रेशन विल ऑफ इट्स अ सॉवरेंस विल। याद हो गया ना, अ फोर्स, ये हो गया बेंथम का। सच बताओ याद हो गया ना अ फोर्स से। अब इसका क्रिटिसिज्म में आ जाओ। क्रिटिसिज्म बहुत सिंपल है भाई। क्रिटिसिज्म में बेंथम जो है ना वो सब चीज को इग्नोर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोग आपस में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हैं, बेंथम ने वो सब के ऊपर कुछ नहीं बोला। तो बेंथम का क्रिटिसिज्म ये, डज नॉट टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ लॉ कॉन्फरिंग पावर, लाइक इट डज नॉट टेक केयर ऑफ द लॉज कॉन्फरिंग पावर, लाइक पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट टाइटल, ये सब चीज के बारे में बेंथम ने नहीं बोला। ठीक है, दूसरा चीज, इसने कस्टम को इज्जत नहीं दिया, ये बोला कस्टम जो है वो लॉ कभी नहीं बना सकता। तीसरा चीज, जज को इज्जत नहीं दिया, बोला जज भी लॉ नहीं बना सकता, जबकि हम लोग तो देखे ना कस्टमरी लॉ भी होता है और जज लोग भी प्रेसिडेंट सेट करता है। तो इसने दो चीज को इज्जत नहीं दिया, कस्टम को और जज को, ये दो क्रिटिसिज्म हो गया। डिड नॉट गिव फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। डिड नॉट अलाउ फॉर जजेस टू मेक द लॉज। अच्छा, इसने प्लेजर पेन का क्राइटेरिया दिया था ना, लेकिन इट डिड नॉट प्रोवाइड अ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ पेन एंड प्लेजर कैन बी ट्रांसम्यूटेड इनटू एन ऑब्जेक्टिव। बस खाली बोल दिया प्लेजर पेन, बताया कैसे आइडेंटिफाई होगा क्या प्लेजर है क्या पेन है, नहीं बताया। नो क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द प्लेजर पेन। अमिताभ बच्चन बोलेगा दर्द में भी मजा है, तो ये लो बेंथम का थ्योरी तो रुक गया। तो ये क्राइटेरिया नहीं दिया प्लेजर पेन का। अच्छा, और एक चीज ये क्या बोला कि आप खुश रहेंगे तो सोसाइटी खुश रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट इंक्रीज इन द हैप्पीनेस, इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विल लीड टू ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, है ना। क्योंकि हो सकता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुश हो तो दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग दुखखबरी हो। तो ये पांच क्रिटिसिज्म था। एंड दोस्तों, दिस कंप्लीट माई एग्जॉस्टिव सुपर डुपर लेक्चर ऑन सोर्सेज ऑफ लॉ। टेलीग्राम चैनल में नोट्स जो है वो अपलोड हो गया है, बिल्कुल ही इंस्टीट्यूट का, मैट का भी और मेरा हैंड रिटन नोट्स का, दोनों का पंच करके टेलीग्राम चैनल में नोट्स है, पक्का से देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, जूनियर्स को और फ्रेंड्स को पक्का से बोलिएगा कि ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट जो है वो चल रहा है उसको उपलब्ध करें, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चा लोग जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाए, इसलिए ये किया जा रहा है ताकि आप लोग का बेस्ट विशेस मेरे को और परिवार को मेरे मिल सके। और मेरा परिवार में आप लोग भी हैं, तो आप लोग को भी भला होगा।
थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, रिविजन के लिए मिलते रहेंगे।